फ्रेंड्स वेलकम बैक। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन टीवी इंडस्ट्री की टैलेंटेड एक्ट्रेस और टिकटॉक स्टार अवनीत कौर की लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में, तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो की शुरुआत में बात करते हैं अवनीत के फुल नेम की, तो वो है अवनीत कौर और इनका निकनेम है मुस्कान। इसके अलावा इनके फैंस ने यास्मीन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों अवनीत प्रोफेशन से एक एक्ट्रेस, डांसर और टिकटॉक स्टार हैं। इसके अलावा अगर बात करें इनके फिजिकल ओवरव्यू की, तो इनकी हाइट है लगभग 5 फुट 4 इंच और इनका वेट है लगभग 50 kg। बात करें अवनीत के फिगर मेजरमेंट्स की, तो वो है 30-28-30। अवनीत का आई कलर है ब्लैक और इनका हेयर कलर है लाइट ब्राउन। और अब बात कर लेते हैं अवनीत की डेट ऑफ बर्थ की, तो अवनीत का जन्म 13 अक्टूबर सन 2001 को पंजाब के जालंधर में हुआ था और फिलहाल इनकी एज हो चुकी है 18 साल। बात करें अगर इनके रिलीजन की, तो अवनीत सिख धर्म से बिलोंग करती हैं और इनकी नेशनलिटी है इंडियन। और अब जान लेते हैं अवनीत की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में, तो दोस्तों अवनीत ने इसी साल अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है और अवनीत ने अपनी स्कूलिंग जालंधर के ही पोलिस DAV पब्लिक स्कूल से कंप्लीट की है। और अब चलते हैं अवनीत के करियर की तरफ, तो दोस्तों अवनीत टीवी पर पहली बार 2010 में DID लिटिल मास्टर्स में एक कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आई थी और अवनीत इस सीजन के टॉप 3 फाइनलिस्ट में से एक थी। और इसके बाद अब तक अवनीत कई बड़े ब्रांड्स के टीवी एड्स में भी नजर आ चुकी हैं। बात करें अगर अवनीत के पहले टीवी सीरियल की, तो वो था मेरी माँ, जो कि 2012 में टेलीकास्ट हुआ था। इसके अलावा अवनीत की पहली बॉलीवुड मूवी थी मर्दानी, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी। DID लिटिल मास्टर्स के अलावा अवनीत ने 2012 में एक्टर दर्शिल सफारी के साथ झलक दिखला दे के सीजन 5 में भी हिस्सा लिया था। और अगर बात करें अवनीत के टीवी सीरियल्स की, तो इनमें शामिल है एक मुट्ठी आसमान, हमारी सिस्टर दीदी और चंद्र नंदिनी। इसके अलावा फिलहाल अवनीत सब टीवी के शो अलादीन में यास्मीन का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। और इन सभी के अलावा अवनीत अब तक 10 से भी ज़्यादा सुपरहिट वीडियो सॉन्ग्स में भी नज़र आ चुकी हैं। और अवनीत का लेटेस्ट सॉन्ग है सारा दिन, जिसमें इन्होंने अपनी वॉइस में गाना भी गाया है। और अब जान लेते हैं अवनीत के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के बारे में, तो इनमें सबसे पहले बात करते हैं टिकटॉक की। तो दोस्तों अवनीत टिकटॉक प्लेटफॉर्म पर 3 साल से भी ज़्यादा समय से एक्टिव हैं और फिलहाल इनके टिकटॉक फॉलोअर्स की संख्या 21 मिलियन तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा अवनीत के फेसबुक पर 4 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और इंस्टाग्राम पर इनके 10.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इनके अलावा अवनीत का एक खुद का यूट्यूब चैनल भी है, जिस पर इनके 6,73,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। और अब चलते हैं अवनीत की फैमिली की तरफ, तो दोस्तों अवनीत की मां का नाम है सोनिया नादरा और अवनीत के फादर का नाम है अमनदीप सिंह। इसके अलावा अवनीत का एक छोटा भाई भी है, जिनका नाम है जयजीत सिंह। अब चलते हैं अवनीत की फेवरेट्स एंड हॉबीज की तरफ, तो अवनीत के फेवरेट एक्ट्रेस में शामिल हैं सलमान खान, रणबीर कपूर और फरहान अख्तर। इसके अलावा अवनीत की फेवरेट एक्ट्रेसेस में शामिल हैं आलिया भट्ट, कंगना रनौत और प्रियंका चोपड़ा। बात करें अगर अवनीत के फेवरेट सिंगर्स की, तो वो हैं नेहा कक्कड़, अरिजीत सिंह और अरमान मलिक। और दोस्तों अब जान लेते हैं अवनीत के फेवरेट फूड के बारे में, तो वो हैं चीज़ फ्राइज और चॉकलेट्स। और इनके फेवरेट कलर्स में शामिल हैं ब्लैक, रेड एंड येल्लो। बात करें अगर अवनीत की हॉबीज की, तो इनको टिकटॉक वीडियोज बनाना, नेटफ्लिक्स देखना और गाने सुनना पसंद है। अवनीत के मैरिटल स्टेटस की बात करें, तो ये अनमैरिड हैं और इसके अलावा फिलहाल अवनीत किसी रिलेशनशिप में भी नहीं है। और अब बात करते हैं अवनीत के रियल लाइफ बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में, तो दोस्तों इनमें सबसे पहला नाम है एक्टर सिद्धार्थ निगम का। इसके अलावा एक्ट्रेस रीम शेख, एक्ट्रेस वैष्णवी राव, टीवी एक्टर अभिषेक निगम, टिकटॉक स्टार मिस्टर फैजू और टिकटॉक स्टार रियाज अली, टीवी एक्टर भावेश बालचंदानी
टीवी और टिकटॉक स्टार जन्नत जुबैर रहमानी, इसके अलावा असनूर कौर, रिट्स बदियानी और अनुष्का सेन जैसे कई सेलिब्रिटीज शामिल हैं। और इसके बाद बात करते हैं अवनीत के हाउस की। तो अवनीत अपने पेरेंट्स और छोटे भाई के साथ मुंबई में एक फ्लैट में रहती हैं। बात करें अवनीत के कार्स कलेक्शन की, तो उनके पेरेंट्स के पास हैं टोयोटा फॉर्चुनर कार जिसकी कीमत है लगभग 30 लाख रुपए। इसके अलावा इनके पास दूसरी कार है स्कोडा कोडियाक कार जिसकी कीमत है लगभग 34 लाख रुपए। और वीडियो के अंत में बात करते हैं अवनीत के सीरियल्स की पर एपिसोड सैलरी के बारे में। तो अवनीत एक एपिसोड के लगभग 60,000 रुपए चार्ज करती हैं। तो दोस्तों, आपको अवनीत और सिद्धार्थ की जोड़ी कैसी लगती है हमें कमेंट करके बताएं। इसके साथ ही अगर आप भी अवनीत के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब देना। अगर गलत हुआ तो बहुत पिटोगे। तो बताओ, अगर समुंदर के बीच नींबू का पेड़ है तो उस नींबू को कैसे तोड़ोगे? सर, मैं चिड़िया बनकर तोड़ूंगा। आदमी को चिड़िया क्या तेरा बाप बनाएगा? तो बीच समुंदर में नींबू का पेड़ क्या तेरा बाप लगाएगा? हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल, टेक केयर ऑफ हर लवर, रिस्पेक्ट हर। हाउ टू इम्प्रेस अ बॉय, जस्ट स्माइल, बात खत्म, लौंडा बर्बाद। वेरी गुड लौंडे। क्या मैन, आजकल जीजू किधर रहता है? पहले तो दिल में रहते था, अभी औकात में रहता है। ओ कड़क मेरी जान। और बता, तेरा बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? महेश, रमेश, सुरेश। अरे मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। सच में नहीं है? चल भाग यहां से। जिंदगी में बस एक ही तमन्ना है कि तुम मेरी सारी बातें मानो और मैं तुम्हारी एक भी नहीं। व्हाट्सएप के नीचे फ्रॉम फेसबुक क्यों लिखा हुआ आ रहा है? अरे क्योंकि जिसका फेसबुक है ना मार्क ज़करबर्ग, उसने 16 बिलियन डॉलर्स के अंदर व्हाट्सएप खरीद लिया, पता है तुम्हें? खरीदने की क्या जरूरत थी, डाउनलोड कर लेता। ये शहरों का सन्नाटा बता रहा है, इंसान ने कुदरत को नाराज बहुत किया है। पहले ब्लॉक करना, फिर अनब्लॉक करना, और फिर लास्ट चेंज चेक करना, और फिर वापस से ब्लॉक कर देना। ये रिश्ता क्या कहलाता भैया? क्या क्या चाहिए आपको, बताओ? क्या चाहिए जी को आपको? थोड़ी सी दारू चाहिए। फेसबुक यस, इंस्टाग्राम यस, व्हाट्सएप यस, टिकटॉक यस, बॉयफ्रेंड नो। हेलो हेलो भाई। हाँ भाई। कैसा है भाई? एकदम ऑसम ब्रो, अपने बता। एक तो काम था भाई, कर ले बाद में बात करते हैं, बाय। जो लोग अपनी बीवियों को मुसीबत समझते हैं, मैं उनको इतना बताना चाहती हूँ कि ये मुसीबत खुद चल कर नहीं आई थी, आप खुद गए थे तूतियां वाजे लेके उनको लेने। तो बच्चों बताओ, स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? मैं तो नहीं जाऊँ। क्यों? मेरी मम्मी ने बोला था इसको से सीधे कराना। 135 करोड़ की आबादी में एक शख्स अच्छा लगा, और अगर वो भी ना मिले तो ऐ खुदा, शिकायत तो बनती है। बेवफा हैं वो लोग जो बस आपको तस्वीरों में कैद करना जानते हैं। बेवफा हैं वो लोग जो बस आपको तस्वीरों में कैद करना जानते हैं। हम तो रोजाना आपको हकीकत में मिलना मांगते हैं। तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम। मेरे पास मेरे दोस्त जैसी कार नहीं है तो क्या हुआ? मैं तेरे को पलकों में बिठाऊंगा। और मेरे पास मेरे दोस्त जैसा बंगला नहीं है तो क्या हुआ? तेरे को दिल में बसाऊंगा। बंगले अब रुलाएगा क्या? चल अपने दोस्त का नंबर दे। मंगलम मंगलम मंगलम। हमारी पत्नी भाग गई है। भाग गई? हमारी में भगवा दो यार, हम प्यार करते उससे। पत्नी से? अरे श्योर। कैसे परेशान है यार? मेरी बीवी खो गई। यार मेरी बीवी भी खो गई, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। तेरी बीवी कैसी दिखती है? बहुत खूबसूरत है। और तेरी कैसी है? मेरी जाए भाड़ में, चल तेरी ढूंढते हैं। आज तो मेरा तकिया और बिस्तर भी बोल पड़ा। थोड़ा उठकर बैठ जाओ, छत पर घूम लो तो थोड़ा हम भी सांस ले लें। और अब क्या बताऊं, क्या गुजरती है मेरे दिल पर जब किसी और के हाथ तेरे बदन को छुआ करते हैं। और ये जमाना जालिमों से भरा हुआ है,
ये लोग इतने अच्छे नहीं जितने ये दिखा करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये जमाना जालिमों से भरा हुआ है, ये लोग इतने अच्छे नहीं जितने ये दिखा करते हैं। खैर अब छोड़ो ये बातें, इन बातों में क्या रखा है। अल्लाह खुश रखे उसको, हम दिल से दुआ करते हैं।